हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई आपके लिए एक और नई रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आपको अफ़गानी चिकन बनाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने लिया है ये 500 ग्राम चिकन। चलिए अब इसकी मैरिनेशन बनाते हैं। हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें हरा धनिया डाल देंगे। देखिए, धोकर हरा धनिया डाल देंगे। पुदीना ले लिया है, धोकर इसको पुदीने को डाल देंगे इसके अंदर। चार पांच हरी मिर्ची लिए मैरिनेशन के लिए, और 6 से 7 कलियाँ लिए लहसुन की, वो डाल देंगे इसके अंदर। और एक बड़े साइज़ की प्याज काट के डाल देंगे। फ्रेंड्स, प्याज डाल देंगे बारीक टुकड़े में काट कर। चलिए पेस्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया है। ये मसाला हम अपने चिकन में डाल देंगे, बहुत टेस्टी अफगानी चिकन बनकर तैयार होगा। नींबू का रस डाल देंगे, नमक डाल दें स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे। हाथों से क्रश करेंगे इसको अच्छे से, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। थोड़ा सा फूटा हुआ जीरो का पाउडर डालेंगे। अब अमूल की फ्रेश क्रीम लेंगे, इसको पूरी डाल देंगे हम इसके अंदर। कटोरी दही डाल देंगे, फ्रैट कर इसको अच्छे से। अब ये दही इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिला दें हाथों से। आधा घंटा रेस्ट कराएंगे, इसमें हम अपना अगले का अगला प्रोसेस करते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसमें देसी घी डालेंगे इसके अंदर हम। मैरिनेशन में से निकाल कर मैरिनेशन निकाल लेंगे। देखिए गोल्डन हो रही है अच्छे से, इस तरह से सारे डिशेज कर लेंगे गोल्डन। और इसको निकाल लेंगे। कढ़ाई ले लेंगे, ऊंचा मक्खन डालेंगे, एंड जो ये घी तेल था ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, ये बहुत फ्लेवरफुल होता है। अब जो हमारी मैरिनेशन थी वो मैरिनेशन इसके अंदर डालेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर एक उबाल आ रहा है, उबाल आ चुका है। अब हमने जो चिकन कर लिया था, चिकन को फ्राई किया था, सेका था, वो चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे ये आराम से इजीली। 10 मिनट चिकन के साथ इसको पकाना है हमें। फ्रेंड, चिकन अफगानी बनकर तैयार है। देखिए सर्व करेंगे मिर्चियों से, इसके अंदर मिर्ची डाल देंगे काट कर। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अफगानी चिकन गरम गरम सर्व करते हैं रोटियों के साथ। देखिए फ्रेंड्स, कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।